गिरिडीह जिले के डुमरी अनुमंडल के रेफरल अस्पताल डुमरी में एनसीसी कैडेट्स हो रहे हैं परेशान। बताते चले कि एनसीसी कैडेट्स को कल कैंप में जाना है और डॉक्टर के द्वारा अनेक जांच करवाने के लिए लिखे गए हैं, मगर हैरानी वाली बात यह है कि रेफरल अस्पताल डुमरी में आंख जांच की व्यवस्था नहीं है, फिर भी डॉक्टर के द्वारा लगातार 4 घंटे तक आंख जांच करने की बात करके एनसीसी कैडेट्स को रोक कर रखा गया। डॉक्टर के इस झूठी आश्वासन से सभी कैडेट्स आक्रोश में हैं। और वही एनसीसी कैडेट्स ने बताया कि अस्पताल के जो प्रभारी हैं, उन्होंने हम लोगों के साथ गलत व्यवहार के साथ बात की, जिसको लेकर सभी एनसीसी कैडेट निराश हो गए। जिला चिकित्सा पदाधिकारी से एनसीसी कैडेट्स ने मांग की है कि इस तरह की समस्या को सुधारा जाए, क्योंकि जब हम लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव हो सकता है तो न जाने कितने ग्रामीणों के साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह की समस्या झेलनी पड़ती होगी। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और आप देख रहे स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। हालांकि मैं अभी गिरिडीह जिले के अंतर्गत डुमरी चौक के जस्ट बगल में, यहाँ डुमरी में मौजूद है अभी रेफरल हॉस्पिटल में। और बताते चले कि अभी हमारे पीछे जो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट हैं, जो एनसीसी कैंडिडेट हैं, और अभी यहाँ पे रेफरल हॉस्पिटल में क्यों यहाँ पे खड़े हैं और क्या कुछ मामला है, चलिए हम विस्तार से जानते हैं। क्या नाम हुआ? कृष्णा शर्मा। कहाँ से आप आए? हम नावाडी से आए हुए हैं। क्या करते हैं आप? एनसीसी कैडेट्स हैं और बीए का पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे करवाने के लिए आए थे मेडिकल, लेकिन यहाँ जब से आए तब से कुछ न कुछ लफड़ा किया जा रहा है। सुबह से बिना खाए पिए लोग आया हुआ। क्या क्या लफड़ा कर रहे हैं? यहाँ खून चेक कर रहा है, उसके बाद बीपी चेक कर रहा है, सारा चीज, उसके बाद प्रोसेस बोल रहा है अंदर जाओ, ये करो वो करो। तब से 2 घंटा से हम लोग बैठे हुए, 2-3 घंटा लगभग होगी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? खिरोधर महतो। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे एनसीसी कैंडिडेट? एनसीसी कैडेट देखिए, आज मेरा ये फायरिंग के सिलेक्शन है, तो मतलब मेरा 4 बजे कैंप है, 4 बजे रिपोर्टिंग मेरा को उधर करना है। अच्छा। तो इधर मतलब पहले आए तो उस टाइम तो आधा घंटा ये लोग बैठा के रख दिया, आधा घंटा बाद बोले कि मतलब पहले कटवाओ ये पर्ची, कटवाओ पहले पर्ची। कटवाने के बाद पहले तो आए तो पहले सबसे पहले बोल दिया कि नहीं करेंगे, डॉक्टर यही मना कर दिया। डॉक्टर कौन बोले? बैठी थी डॉक्टर, वो बोली कि नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर नहीं थी, वो बोली कि नहीं होगा। अच्छा, मतलब वो देखी और बोली कि नहीं होगा। अच्छा। उसके बाद मतलब आधा घंटा बैठे हैं, उसके बाद पर्ची कटाने के लिए बोला गया, पर्ची कटवाया, उसके बाद मतलब जो होता है क्या क्या लिखा हुआ था, मतलब डॉक्टर का आप लोगों को टाल मटोल कर रही है। और डॉक्टर का तो हम लोग करीब 2-3 घंटा से यहाँ पे खड़े हैं, बस 2-3 घंटा। यहाँ पे कुछ गर्ल्स कैंडिडेट्स भी है, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कहेगी। क्या नाम हुआ? दीपा कुमारी। कितना देर से यहाँ पे? 2 घंटा। क्या समस्या है? आए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, उसके लिए सिग्नेचर चाहिए था मैम का, लेकिन वो नहीं कर दे रही है। डॉक्टर है फिर भी नहीं कर दे रही, डॉक्टर नहीं आएंगे। अच्छा, तो क्या कुछ आप मांग करते हैं सीएस से? हालांकि अभी हमारे साथ डॉक्टर मैम अभी हालांकि यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि बच्चे लोग काफी आरोप लगा रहे हैं, हालांकि क्या कुछ है अभी हम विस्तार से समझ लेंगे और जान भी लेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर सरोज कुमारी। जैसे यहाँ पे बच्चे लोग आरोप लगा रहे कि हम लोग लगभग 4 घंटा से यहाँ पे खड़ा है, सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। नहीं, 1 बजे से आए हैं, मैंने बोला कि मैं जांच लिखती हूँ, जांच कराइए, जांच कराने के बाद मैं कर दूंगी। जी, तो यहाँ पे जांच का कोई देख नहीं रहे, जैसे आप कर लेते हैं आँख वाले है? नहीं, वो तो मैं नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हम कोशिश किए कि हो जाए। अब आंख वाले जहाँ रहेंगे पता करके वो आएंगे, तभी हो पाएगा। तो मैं अब बच्चे लोग को, अब बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? आंख वाला तो मैं अंदाज से नहीं लिख सकती ना। बिल्कुल, आपका कहना है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ कैंडिडेट है उसको आज भी कैंप पे जाना है, कल भी जाना, तो कैसे होगा? ये तो मैं नहीं जवाब दे सकती ना इसका, तो हम, मैं ड्यूटी में हूँ, यदि मैं नहीं करती तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। तो फिलहाल सब नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब वहाँ आई वाले अभी यहाँ कहीं गए हैं या क्या? यहाँ नहीं आई, बगल में जांच होता है, वो कहाँ गए हैं मुझे नहीं मालूम। मतलब अभी उपस्थित नहीं है? वो हो सकता है कहीं दूसरे जगह ड्यूटी में हो, कभी कल एक डॉक्टर का 2 जगह ड्यूटी पड़ता है, हो सकता है। मैं भी नहीं, ये तो मैं नहीं ना बोलूंगी कि ये तो चूंकि कराना है तो, और आगे के प्रभारी है उनसे आप बात कीजिए। मैं तो ड्यूटी में हूँ, मैं कर रही हूँ अपना, मैं कहीं अब ड्यूटी से नहीं भाग रही, लेकिन जो मैं नहीं कर सकती, मैं आँख का चेकअप नहीं कर सकती, तो मैं कैसे कर दूँ? तो हालांकि देख सकते हैं अभी हमारे साथ अभी मैम थी, उससे भी हम बात करते और जानने का प्रयास करते, लेकिन मैम का सीधा कहना है कि हालांकि मेरा जो काम है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आँख का डॉक्टर जो है वो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, और वो उपस्थित नहीं है तो आखिर बच्चे लोग कब तक यहाँ पे खड़ा रहेंगे? ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है, और ये कहीं ना कहीं ये सवाल सीएस पे उठता है, और ये जो
श्वास पदाधिकारी उनपे भी उठता है कि आखिर कब तक इस तरह का सरकारी हॉस्पिटल में आखिर कब तक इस तरह का समस्या चलेगा। हालांकि ये बच्चे हैं, अभी हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम? जी मैं अंडर ऑफिसर मोहम्मद अलीसान अंसारी हूँ। आप लोग यहाँ पे क्यों इतना देर से? जी बिल्कुल, हम लोगों का CATC 5 कैंप जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित है। कल हम लोगों को कैंप निकलना है, इसलिए कैंप के लिए कुछ फॉर्म एलिजिबल होते हैं ले जाने के लिए, तो उनके लिए हम लोग रेफर अस्पताल डुमरी आए हुए हैं साइन कराने के लिए। हम लोग 3-4 घंटे से यहीं पर है। हम लोग का मेडिकल टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। कितने देर से आप लोग यहाँ? 4 घंटे से हम लोग हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि कल आप लोग कैंप तक पहुंच पाएंगे या नहीं? नहीं बिल्कुल, जब तक मेडिकल नहीं होगा तब तक हम लोग कैंप नहीं जा सकते। अच्छा, फिलहाल अभी आप जो स्वास्थ्य कर्मी या जो स्वास्थ्य पदाधिकारी उनसे क्या कुछ मांग करते हैं? यही मांग करेंगे कि वो जल्द से जल्द हम लोग का मेडिकल टेस्ट ले ताकि हम लोग अपने कैंप में उत्तीर्ण हो सके। जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि हमारे पर्ची में अगर कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का टेस्ट दिया गया है तो यहाँ पे उनकी उपस्थिति भी होना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। अगर उनकी अनुपस्थिति नहीं है तो इसमें हम सबका क्या गलती है? कोई दोष नहीं है हमारा। हम यहाँ करीबन 4-5 घंटे से वेट कर रहे हैं डॉक्टर्स का, यहाँ पे वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये गलती है, इसमें सुधार किया जाए। क्योंकि अगर मेडिकल हम लोग मेडिकल फिट नहीं होते तब तक हम कैंप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होना है, ये कब कैसे होगा जब यहाँ डॉक्टर ही मौजूद नहीं है? और डॉक्टर का मौजूदगी यहाँ कैडेट्स को परेशान कर रहा है, वो काफी देर से भूखे यहाँ पे मौजूद है। धन्यवाद। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर अनामिका पांडे। अब कहाँ के रहने? मैं रोशना से रहने वाली हूँ। धन्यवाद। तो हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट लोग हैं काफी आक्रोश में नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि सबों को आज भी और कल भी कैंप जाना है। तो ऐसे में कैंडिडेट लोग करेंगे क्या? आखिर ये सवाल सीएस पे उठता है जरूर, और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं क्या सही है और क्या गलत है। तो बने रहे स्टार C24 झारखंड बिहार गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट।